मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। ये दूसरा वर्ष है जब हम देश और विदेश में बहुत धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। पिछली बार भी बहुत भव्यता से ये दिवस मना था, लेकिन इस बार की हमारी अपेक्षा है कि उससे दोगुनी भव्यता से और दोगुनी भागीदारी से इस बार का योग दिवस मनाया जाएगा। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि योग केवल व्यायाम नहीं होता, योग व्यायाम और अध्यात्म का सम्मिश्रण होता है। इसीलिए व्यायाम के बाद व्यक्ति थकता है, लेकिन योग के बाद व्यक्ति थकता नहीं, बल्कि उसे एक आत्मिक शांति का एहसास होता है। यदि आप प्राणायाम से योग शुरू करें और योग निद्रा या शवासन से उसका समापन करें, तो उसके बाद आप पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाते हैं और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार होता है। योग एक तरफ असाध्य बीमारियों से लड़ने का एक माध्यम है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने का जरिया भी है। मैं चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस भव्यता से मनाया जा रहा है उसमें आप सब लोग भागीदार बनेंगे। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी उन लोगों को भी जो इस बार भागीदार नहीं बनेंगे, लेकिन आपसे प्रेरणा प्राप्त करके नए सिरे से योग को अपनाएंगे और अगली बार भागीदार बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए हमने अपने सभी विदेश स्थित दूतावासों में भी बहुत बड़ी तैयारी की है, देश के स्तर पर भी बहुत बड़ी तैयारी हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।